बात करते हैं मीरा और अर्जुन के बारे में। कैसा है अर्जुन, क्या करता है? कि मैंने देखा है जो प्रोमो में वो हस्बैंड है, कैसा? मीरा के बारे में बात करते हैं। मीरा एक ऐसी वाइफ है जो कहीं, जो हम कहानी जानते हैं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक फंस जाते हैं, तो थोड़ा सा दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, जितना हम रिवील कर सकते हैं बता सकते हैं लोगों को। दोनों यंग प्रोफेशनल्स हैं, अपनी ही आइडेंटिटीज हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिट है और दिल्ली में रहते हैं। अर्जुन जो है ही इज वेरी गुड, ही इज अ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट गाय, अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, ही कैन एस ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब रूरल इंडिया में जाते हैं देन ही कांट रियली हैंडल उस तरह के निगोसिएशंस, तो अलग ही है। एंड मीरा ऑफ कोर्स इज अ कॉर्पोरेट गर्ल हु इज अ मार्केटिंग हेड हॉन्चो ना। और मीरा को लैंग्वेज में मुझे लगता है थोड़ा सा कम, मतलब उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ा होगा, थोड़ा सा एडिशनल जोड़ लें, क्योंकि मीरा पहले भी वो बैंड बाजा बारात में वो थोड़ा लैंग्वेज थी दिल्ली की, तो क्या उसके पहले भी? एक्चुअली मीरा इज नॉट फ्रॉम, वो दिल्ली का कोई ऐसे लैंग्वेज का नहीं है। इनफैक्ट इनफैक्ट हमारी जो बैक स्टोरी है मीरा को लेके वो है कि वो प्रॉब्ली उसकी मॉम साउथ इंडियन है और उसके डैड नॉर्थ इंडियन है, पर लैंग्वेज एक्चुअली इट्स नॉट ऑनेस्टली, फिल्म में ज्यादा बहुत ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं, और जैसे बात वो करते हैं वो वैसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल ओबन लोग बात करें, कोई ऐसे हर सिटी से टिपिकल कलोकियल वो नहीं है, कलोकियल आई थिंक करेक्ट नहीं है। फिल्म का प्रोमो जैसे ही आया लोगों ने ऐसे जोड़ के देखना शुरू कर दिया और बातें करनी शुरू, क्वीन या मर्दानी, अब इसको भी ऐसा कहा जा रहा है कि अनुष्का एक नई मर्दानी है बॉलीवुड की। आई थिंक दैट्स ग्रेट, क्योंकि क्वीन और मर्दानी जैसी फिल्में अच्छा करती हैं तो देन मोर फिल्म लाइक एनिस्टन कैन गेट मेड, बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ एनिस्टन, एंड एनिस्टन डज वेल उसके बाद आगे जाके और पिक्चर ऐसी बन सकती हैं। तो आई थिंक इट, आई मीन आई लव क्वीन, मैंने मर्दानी तो मैं नहीं देख पाई, पर हूएवर सीन द फिल्म, माई फैमिली दे ऑल लव्ड इट एंड बोथ द फिल्म। तो इट्स इम्पॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री में कि ऐसी फिल्में अच्छा करे तो इन फिल्मों का एक, जिसे बोलते हैं, एक कैटेगरी बन जाएगा जो जो एक सक्सेसफुल और एक वायबल कैटेगरी होगा। तो आई थिंक आई टेक अ लॉट ऑफ आई थिंक आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये वजह कि फिल्म को वुमेन्स डे के दिन 6 मार्च को रिलीज किया जा रहा है, थोड़ा सा ये भी हाँ, क्योंकि वी जस्ट फेल्ट दैट प्लान्ड, एज इन वेन यू आर लुकिंग फॉर अ डेट यू थिंक की ऑप्शन आप देखते हैं, उन सब ऑप्शन में से दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस एंड वी वुड हैव लाइक्ड इट, बिकॉज यूजली एक्चुअली हो रहा है हर साल इस समय पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट स्ट्रॉन्गर जो फिल्म है वो आती हैं एंड दे आर डूइंग वेल, यू नो। तो एक्चुअली एक मंथ स्ट्रेंज सा मंथ बन रहा है ना, गुड वे, कि ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट किया जा रहा है समय पे। सो इट सीम लाइक द बेस्ट रिलीज डेट, हम ऑब्वियसली उसी दिन पे रिलीज करेंगे फिल्म को जो हमारे लिए बेस्ट लगे, एंड इट सीम लाइक द बेस्ट फिट फॉर। फिर देश में ना जश्न का माहौल है, चाहे फिल्म का प्रोमो लोगों को पसंद आ रहा हो, हम ये भी कर रहे हैं, जीत रही है हमारी टीम, थोड़ी शरारत है, और लेकिन मैं चाहूंगा कि आप क्या कुछ कहेंगे कि आपने पूरा मैच देखा या बीच बीच में देख रही थी? नहीं, एक्चुअली मैं पूरा एक बार बैठ के नहीं देख पाई क्योंकि मैं उस दिन शूट कर रही थी, लेकिन मैं बीच बीच में देख रही थी और बहुत मजा आया। इंडिया पाकिस्तान मैच तो हर इंडियन के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है, एग्जैक्टली बहुत बिग डील होती है, एंड आई एंजॉयड इट। तो अब आगे के लिए एक जो टीम अभी आगे खेलेगी, तो एक जब ऐसी जीत होती है तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो एक बधाई भी। आप क्या कुछ बात कर रही हैं लोगों से, मतलब आप सारे दोस्त हैं आपके, तो मतलब आपकी टीम इंडिया दोस्त है, तो मतलब बधाई देंगी आगे? सबकी दोस्त है टीम इंडिया, तो सबकी दोस्त है। ऑफिशियल ट्रेनिंग, ऑफिशियल कोच जो है वो अनुष्का शर्मा है, ऑल द प्लेयर्स शी ओनली कोचेस। अच्छा एक सवाल था मेरे पास, हम जब अच्छा पहली कुर्सी में बैठे, अनुष्का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पीके के पहले एक अलग अनुष्का थी, पीके के बाद और अब प्रोड्यूसर बनने के बाद सब अलग निगाह से देखते हैं, और पहली कुर्सी पे जब कोई बैठा होता है तो उसका अच्छा काम भी तारीफ लोग बात करते हैं, उसका पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, जब उसकी अच्छी फिल्म आती है अच्छे काम के बारे में भी तारीफ करते हैं। ऐसी जब आप सुबह उठती हैं और जब आपकी पर्सनल लाइफ जो बातें आपको लगता है अरे ये बात नहीं की जाए, जब ऐसी बातें होती है तो कैसा फील हो, खासकर मीडिया में? देखिए मैं कभी किसी को रोक नहीं सकती हूँ कि वो क्या लिखे क्या नहीं लिखे, वो ऑनेस्टली मेरी जगह है भी नहीं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा पर्सनल रखा है, तभी उसको पर्सनल लाइफ कहा जाता है, और मुझे नहीं अच्छा लगता है ज्यादा बात करना। कोई चीज छुपाई भी नहीं है, जो है सब कुछ है सामने है लोगों के पास, कोई डिनाई नहीं कर रहा है,
यू नो छुपन छुपाई नहीं खेल रहे हैं किसी के साथ, मीडिया के साथ. हम अपना काम और अपना नॉर्मल यू नो लाइफ जी रहे हैं. बट बात करना इज समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू मी नॉट, आई डोंट फील राइट अबाउट इट.